साधु सिंह धर्मसोत साबका कैबिनेट मंत्री उन्होंने उत्ते लगातार जिहड़ा शिकंजा कसया जा रहा सीगा ते हुण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। 3 दिन का पहला रिमांड लिया, 3 दिन का फेर लिया, 6 दिन का हो गया। तो सवाल तो स्टीरियोटाइप उही होंदे आ ना, वो फिर किन्ना चिर चल सकता वारी 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 वो एक केस दे विच 14 दिन तक दिता जा सकता, 6 दिन इन्हां दा देता सी ते वध तों वध 8 दिन होर दे सकदे सी। बाकी ये सियासी लोग ने पता नहीं केस कदों तक चलने हैं, किन्ना क चलने हैं, अगले दिनों दे विच इन्हां दी जमानत की आस भी रखी जा सकती है क्योंकि अदालतां कुछ देर बाद जमानत दे दिंदियां ने कि इन्हां नूं अंदर बिठा के करवाउणा की है। ये कहड़ा कोई डेट बाउंड है या टाइम बाउंड है, केस जिहड़ा है वह 20 दिन 50 दिन 100 दिन महीने च पूरा कर देंगे, ये लंबा प्रोसैस है जी, पता नहीं कदों तक चलना। ते नाल ही ढिल्लों साहब सतेंद्र जैन दिल्ली के सेहत मंत्री उन्होंने भी न्यायिक हिरासत भेज दिया गया, लगातार मंत्रियों के उत्ते कार्रवाइया हो रही हैं। उन्होंने केजरीवाल साहब कहते हैं उन्होंने पद्म भूषण दौ जो वड्डा कोई पुरस्कार दौ जी। दूजे पासे मनी लॉन्डरिंग मामले के गिरफ्तार किया, नेड़लियां दे भी छापेमारी हुई है तो केजरीवाल साहब कहते सी उह तां बिल्कुल गलत फसाया, 2 राज्यां दीआं चोणां ने उन्हां चोणां करके ये जिहड़ा हैगा साडे बंदिआं नूं फसाया जा रहा हैगा, सिसोदिया साहब का बयान सी, ये प्रोसैस है। हुण अदालत दे विच चले गए, अदालत ने न्यायिक हिरासत च भेजते, जिहड़ा केस उन्हां ते दर्ज हो गया अपने आप नूं बेगुनाह साबित करन वास्ते, ये जिहड़ा सतेंद्र जैन है जिवें साधु सिंह होरां नूं का लड़ना पैणेगा इस तरह उन्हूं भी लड़ना पैणा। तो बिल्कुल तैयारी राहुल गांधी की भी लग रही है, ईडी के सामने पेश भी हुई है, तो लगातार जिहड़ियां असीं भी अपडेट लैण दीआं कोशिशां कीतीआं ने, पर फिलहाल पुछगिछ जारी है। तो इसी दे चलदिआं ही कई कांग्रेसी वर्कर भी हिरासत दे विच लै लए गए। राहुल गांधी नूं जिहड़े केस दे विच कीता उह केस कहिंदे 2015 च बंद हो चुके जी, दुबारा फिर इस केस नूं ओपन किया गया, इहदे विच उहदे माता श्री नूं भी बुलाया गया सी, लेकिन करोना करके उह सर गंगा राम हस्पताल च दाखल नहीं जी। उन्हां दी जिहड़ी अगली पेशी है 23 जून ते पा दित्ती गई है, जे उह सेहत जाब हो गई उदों तक तां उन्हां नूं लै आंदा जाएगा। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। पेशा प्रोग्राम एक मेरी भी सुनो, एक मेरी भी सुनो प्रोग्राम दे विच वख-वख मुद्दों के उत्ते गल करते हैं, वख-वख खबरों के उत्ते चर्चा करते हैं, तो चर्चा का हिस्सा बनते हैं साडे नाल सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों। ढिल्लों साहब अज भी स्टूडियो मौजूद ने, सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। सर स्वागत है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी धर्मेंद्र जी। ढिल्लों साहब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं वड्डी ते अहम खबर के नाल। साधु सिंह धर्मसोत साबका कैबिनेट मंत्री उन्होंने उत्ते लगातार जिहड़ा शिकंजा कसया जा रहा सीगा ते हुण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। देखो धर्मिंदर, जदों 3 दिन का पहला रिमांड लिया, 3 दिन का फेर लिया, 6 दिन का हो गया, तो सवाल तो स्टीरियोटाइप उही होंदे आ ना, कित्थों पैसा आया जी, बदलियां का किन्ना लिया जी, फलाना कदों कीता जी जी, वो फिर किन्ना चिर चल सकता वारी 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 वो, तो आफ्टरऑल एक केस दे विच 14 दिन तो वध पुलिस का रिमांड लिया नहीं जा सकता जी। जिवें अज्ज जिहड़े सिद्धू वाले मामले च दो शार्प शूटर फड़े ने, उन्होंने कट्ठे 7-7 दिन देता उन्होंने अज्ज जी। सो एक केस दे विच 14 दिन तक दिता जा सकता, 6 दिन इन्हों का देता सी ते वध तों वध 8 दिन होर दे सकते सी, ते जदों एक समां पूरा हो जाता है, क्योंकि भावें जो मर्जी कह लो है तो सियासी आ ना बंदा जी, अज्ज दादे दियां कल पोते दियां कलू कुछ भी हो सकता है, सियासत दे विच कोई किस दा दुश्मन मित्र नहीं हुंदा, सियासत पता नहीं कदों रंग बदल जाए, अज जिहड़ा चढ़ाई मान साहब दी है कलू किसी होर दी भी हो सकती है जी। सो उन्हां नूं हुण अदालत ने जदों इन्हां ने रिमांड ही नहीं मंगिया होना तो फिर अदालत कोले दूजा साधन की है, वह कित्थे तोरन, जां तां इह पुलिस रिमांड मंगदे उहदा कोई बेस चाहीदा ठोस कि आह कारण करके है। आम तौर पर जो सफाई धर के वकील होंगे ने जवाब दे देते हैं कि जी आही चीज़ा तो परसों मंगिया सी इन्होंने जी, उही चीज़ा फिर लेके आ गया, जो कोई नवी गल कि उत्थे फिर अदालत भी सोच लग जाते भी गल तो ठीक है, फिर अदालत अजिहे स्थिति दे विच हुण ये जिहड़ा साधु सिंह धर्मसोत उन्हां दे जिहड़े OSD चमकौर सिंह जी, तो जिहड़ा वो जगबनी वाला पत्रकार है खन्ने वाला,
ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਣੇ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ कि इन्हों अंदर बिठा के कराना की है ये कड़ा कोई डेट बाउंड है या टाइम बाउंड है केस जिहड़ा हैगा वह 20 दिन च 50 दिन च 100 दिन च महीने च पूरा कर देंगे ये लंबा प्रोसैस है जी पता नहीं कदों तक चलना है जी ते नाल ही ढिल्लों साहब सतेंद्र जैन दिल्ली के सेहत मंत्री उन्होंने भी न्यायिक हिरासत भेज दिता गया लगातार मंत्रियों के उत्ते कार्रवाइया हो रही ने उन्होंने केजरीवाल साहब कहते हैं उन्होंने पद्म भूषण दौ जो ही वड्डा कोई पुरस्कार दौ जी दूजे पासे मनी लॉन्डरिंग मामले दे विच उन्हूं गिरफ्तार किया उहदे नेड़लियां दे भी छापेमारी हुई है उन्हां कोलों भी काफ़ी कुछ जिहड़ा उह कहिंदे सी ना भी साधु ते संगत जी माया चुलझे ते तीजा जिहड़ा इह सतिंदर है इह भी माया च उलझ के रह गए ते केजरीवाल साहब कहिंदे सी उह तां बिल्कुल गलत फसाया दो राज्यां दीआं चोणां ने उन्हां चोणां करके इह जिहड़ा हैगा साडे बंदियां नूं फसाया जा रहा हैगा सिसोदिया साहब का बयान सी सो ये प्रोसैस है हुण अदालत दे विच चले गए अदालत ने न्यायिक हिरासत च भेजते जिहड़ा केस उन्हां ते दर्ज हो गया अपने आप नूं बेगुनाह साबित करन वास्ते इह जिहड़ा सतिंदर जैन है जिवें साधु सिंह राणू का लड़ना पैणेगा इस तरह उन्हूं भी लड़ना पैणा जी तो बिल्कुल तैयारी राहुल गांधी की भी लग रही है ईडी के सामने पेशी हुई है तो लगातार जिहड़ियां असीं भी अपडेट लैण दीआं कोशिशां कीतीआं ने पर फिलहाल पुछगिछ जारी है तो इस दे चलदिआं ही कई कांग्रसी वर्कर भी हिरासत दे विच लै लए गए ने देखो जिहड़े कांग्रस वर्कर वो अपनी पार्टी दे आगू दे पिछे गए ने पहलां दूजे जांदे सी जिहड़े अज्ज कल सत्ता च ने उत्तर काटो मैं चढ़ा जी सो राहुल गांधी नूं जिहड़े केस दे विच कीता उह केस कहिंदे 2015 च बंद हो चुके है जी दुबारा फिर इस केस नूं ओपन किया गया इहदे विच उहदे माता श्री नूं भी बुलाया गया सी लेकिन करोना करके उह सर गंगा राम हस्पताल च दाखल ने जी उहनां दी जिहड़ी अगली पेशी है उह 23 जून ते पा दित्ती गई है जे उह सेहत जाब हो गई उदों तक तां उहनां नूं लै आंदा जाएगा ना होया तो हस्पताल चौधरों बादल साहब भी तो है ना हस्पताल के फोर्टिस के अज मैं ताज़ा पता लग्या कि मनोहर लाल खट्टर जे हरियाणे के मुख्यमंत्री ने हाल जानन पहुंचे वो बादल साहब का हाल चाल पुछण वास्ते भी गए ने ऊ भावें कह कही जान कि साढ़े कोले बादलों वास्ते कोई स्पेस नहीं भारतीय जनता पार्टी के पर राजसी आगू माड़ा मोटा टेढ़ा मेढ़ा ढंग जहा रख दिया भी जे कलू कित लोड़ पै जाए तो मुड़ के बादल साहब ये ना कह काका क्यों तुम सानू हुण तंग करी जाने हो पहला सानू बहुत ज़्यादा तुम कम तंग कर लिया तो थोड़ा बहुत काका ख्याल रख्या करो फिर भी 26 साल कट्ठे रहे हैं बिल्कुल जी मोदी साहब ने भी ट्वीट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेहतयाब होने की कामना की है कि प्रकाश सिंह बादल जल्दी ही सेहतयाब हो जाए तो सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने उन्होंने धन्यवाद किया है मनोहर लाल खट्टर का कि उन्होंने सार लई पता ते हाल चाल जानने वास्ते पहुंचे देखो मैं समझता कि जिहड़ियां ये चीज़ां ने ना इहनूं राजनीति तो पासे रखना चाहिए ये राजनीति दे विच पंजाब दे विच तां बिल्कुल नहीं सी हुंदा जी जे इस गल की शुरुआत की है तो साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है 2002 च जी उस तो पहला सरदार बेअंत सिंह बहुत कहिंदे हुंदे सी आ बादल साहब जिहड़ियां थोड़ियां कट्टा सिंह बिल्ला सिंह तोता सिंह दे नां ते जिन्नियां जायदादां ने सब बार कटा देंगे जी करदे कदे नहीं सी ये सियासी बाण बाजा तक सीमित रहिंदियां सी उदो फिर इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने किया जिहड़ा बूथ कैप्चरिंग भी शुरू हुई है पंजाब दे विच जी वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे राज च हुई है पटियाले तो हुई है जदों इत्थे नगर निगम दीआं चोणां होईआं सी पहली बार 50 वार्डां ते चोण लड़ी जा रही सी उहनां दे कपड़ां चेता बारे खुफिया रिपोर्टां सी कि यह बंदा जित नहीं सकदा जिहदे करके उह सारा कुछ किया उस तों पहलां पटियाले दे विच तां मिसाल रही है कि तुसी सरकार अकालियां दी है म्यूनसिपैलिटी कांग्रसियां दी है जी सरकार कांग्रसियां दी है म्यूनसिपैलिटी अकालियां दी हुंदी सी ये मसालां रहियां ने पर उस वेले उस तो बाद राजपुरे च होया ते ये 1 तो 31 31 तो 51 51 तो 101 ते पहुँच गया जी हुण गाहां मौजूदा सरकार ने यह चोणां करवाउणियां ने की इह पुराणा ही रीतां रवाजां मुताबक करवाउणगे जां फिर ये
101 तक तो पहुँच गए कि 121 या 131 ना पाने वाली गल कर। मैं चाहता कि इन चोणों में चोणा रहन दौ, ये तो पता लग जाएगा संगरूर की उपचोन तो जी कि सरकार किस ढंग के नाल इतने चोणा करावेगी। पर आम तौर पर इन्होंने कहा दिल्ली के चीज़ा बरताव नहीं होया। दिल्ली के जे लोग सभा चोणा ने वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, विधानसभा चोन तीजी बार अरविंद केजरीवाल साहब जित गए ने, लेकिन जिहड़ियां नगर निगम चोणां ने तीन नगर निगमों ने उत्थे तिने नगर निगमों के उत्ते भारतीय जनता पार्टी काबज़ है। जे उस तरह का विहार इत्थे भी रखणगे तो मैं समझदा कि चंगी गल होवेगी। टिल साहब, डॉक्टर बलजीत कौर पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने, उन्होंने चिंता जाहिर की है, वह कहते जी बाल मजदूरी वड्डी समस्या है खासकर पंजाब की। मैं कहना उन्होंने गल कही है, जदों तक देश के कानून घाड़े ठंडे कमर के बैठ के योजनावां बनाउणगे और जमीनी हकीकतां नूं जाके नहीं देखणगे जी, उदों तक बाल मजदूरी खत्म नहीं हो सकती। मैनूं तुसीं उह दसो एक गल जी कि जिहड़े घरां दे विच बच्चे कम करदे आ, तुसीं एक शर्त ला दिओ कि बच्चों तो कम कराओ पर इन्हों नाल नाल सिक्ख्या का प्रबंध कर दिओ। बहुत सारे घर है जिहड़े सिक्ख्या दिंदे आ, साडे कोल भी एक बच्चा कम करदा सी, उहनूं असीं शाम नूं 2 घंटे स्कूल भेजदे सी जी, त्रिपड़ी दे विच ईवनिंग क्लासां लगदियां ने, चलो उह अगले दा सी उह चलिया गया, लेकिन मेरा टीचा सी कि जे मेरे कोल रहेगा तां मैं मैट्रिक हो सकदा उहनूं बीए तक करवा देवां, वो चले गए इतने भट्ठिया के उत्ते जी एस डी एम की अगवाई दे विच बच्चों वापस लैन, जो असी जाके उत्ते पुछया भी बच्चों करते की हो, वह कहिंदे जी 3 टाइम की रोटी दिंदे आ, हाड़ी तो सौनी 2-2 वर्दियां दिंदे, इन्हां नूं कपड़े सवा के दिंदे आ, सर्दी के वक्रे गर्मी के वक्रे, तो नहीं जी कहिंदे हुक्म है लैके चलो, तो 4 दिन बाद उही बच्चे थोड़े शेरांवाले गेट बिजली बोर्ड के मुख्य दफ्तर के मूहरे भीख मंग रहे सी। बच्चे भीख मंगते चंगे जां कम करते चंगे? भीख मंगण वाला दूजा नूं देख के उत्साहित होएगा कि कार दे विच एसी चला के रोटी खा रहा है ते मैनूं सड़क तो चक्के खानी पै रही है, तो जदों उस पासे जाएगा अपराध वधेगा, अपराध वधेगा पाड़ा वधेगा। तो जे तुसी बच्चे बाल मजदूरी दे नाल शर्तां ला दिओ, और दूजा असी उत्थे देखिया टैलीविजन लग्या होया है, जिहड़ा बच्चा 8-9 घंटे कम कर लिया वह रात नूं जल्दी सौंजेगा, उहदा दिमाग वह नहीं जाएगा। जे तुसी ये बाल मजदूरी वाकई खत्म करना चाहुंदे हो फिर जमीनी हकीकतां ते जाओ, जमीनी हकीकतां नूं जाणो कि बाल मजदूरी पैदा क्यों हुई है, बाल मजदूरी की असल समस्या वधदी आबादी, जिहड़ा तुसी उन्हां ते ब्रेक नहीं लाए 9-10 दा जम्मी जांदे ने, ते जी जदों आजाद होए सी उदों असी तकरीबन 33-34 करोड़ सी, ते वध तों वध 15 करोड़ होर विच पा लो 50 करोड़ होंदे, जे अज भारत की आबादी 50 करोड़ होंदी तां इह कड़ा कनेडा अमरीका तों घट सी। बिल्कुल जी, इह जिहड़ा मुल्क उस तों बाद 80 करोड़ तों वध जम गया, रौला तां उहदा है, उहदे वास्ते कित्थों घर लियाओगे, कित्थों उन्हां नूं रुजगार दिओगे, कित्थों उन्हां नूं दे सिर ते रहन वास्ते छत पा के दिओगे। असल दे विच साडे जिहड़े देश घाड़े सी जिन्हां ने देश चलाउणा सी 233 दा अपराधक बह गए उत्थे जाके, पिछली बारी 183 सी, 150 वध गए उन्हां चों, ते जे अगली बारी 50 वध गए फिर तां बहुमत इन्हां दा होएगा, दूजा ही तां लोड़ नहीं जी। अपराध इसे करके वधिया जदों समाज दे विच आर्थिक पाड़ा वध रहा है जी। टिल साहब, गल करांगे जी बिजली की, बिजली नूं लैके पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां ने ट्वीट भी किया, कहिंदे जी असी कल तो निर्विघन 8 घंटे किसानों नूं बिजली की सप्लाई देनी शुरू कर देंगे, साडे कोल पूरा इंतजाम हो चुका है, कल तो झोने की लवाई भी शुरू हो जाएगी, तो इसे दे चलदियां सबसिडी की गल की जाए तो बिजली बोर्ड की जिहड़ी सबसिडी है वह 28,000 करोड़ तो भी वध चुकी है। इहदे बारे सारे सियासतदान देन जिन्हां ने रैतां जारी कीतियां सी, ते रैतां ते गरंटियां देना ने भी दित्तियां वीआं ने 300 यूनिट बिजली दा। मैनूं तुसीं दस दिओ वी 96 दे विच मुक्त खोरी शुरू हुई जी,
एक केड़ी किसान जथेबंदी ने मंगी सी भी सानू मुफ्त बिजली दियो, किसान कहिंदा बिजली दियो जी पैसे लो, और किन्नी सी 57 रुपये प्रति हार्स पावर। जे धर्मेंद्र भीह दी मोटर भी हो 57 रुपया के हिसाब नाल 1150 रुपया बिल बनता है जी, तो 1150 रुपया बिल देना किड्डा कौख है। तुसी ओ 1150 मान लो ते घरां दे बिल किड्डे किड्डे आ गए, इसे करके बिजली चोरी हुई। ते जदों सियासतदान ये कहन वो तीन तीन मोटरसाइकिल ते चढ़ना कोई वड्डी गल नहीं, अपनी सरकार च हुंदा सी गाणू वी आई होऊगा, ते कुंडियां लाउणो मैनूं पता तुसी हटना नहीं ते फिर ला लिओ कुंडियां, थोड़ी सरकार आ गई जदों ते जदों आ कुछ एक लीडर सिखाएगा इहदा किसे अदालत ने सूओ मोटर्स नोटिस क्यों ना लिया। बिल्कुल कानून दे घाड़े देश दे प्रधानमंत्री ने क्यों ना लिया जी, कि भाई आ तू कड़ी गल करता पियाएगा। अच ये इन्नी बड़े पद्धर ते सबसिडियां दी पैसा बकाया खड़ा है जिहड़ा सरकारां समय सर दिंदियां नहीं। तुसीं बिजली बोर्ड नूं पूरे पैसे दिओ भावें सारा कुछ ही मुक्त कर दिओ जी, दूजे पासे 8 घंटे की तुसीं कहा है 8 घंटे तो वध दित्ती होई नहीं जा सकती। उहदा कारण है कि 8-8 घंटे के 3 ग्रुप देंदे बंदे है 24 घंटिया के 8 दिन रात दे जी, तो ये जेडे 8-8 घंटे के 3 ग्रुप बनते हैं उहदे विच किसानां नूं बिजली दित्ती जाती है। कई लोग ये व्यंगमई तरीके नाल कहिंदे आ कि जे तुसीं 24 घंटे किते कर दिओ जिहड़ा पानी 17 सालां च खत्म होना है वह 7 च कर देणगे कर देणगे। मान साहब ने अपील यह भी की अज साढ़े मुख्यमंत्री ने कि ये पानी वाला जरा इनू बचा लो, अजे असं टिच समझते हैं तो जिधर सचमुच खत्म हो गया उदे फिर एक दूजे को दोष नहीं, ये कहोगे मैं तेरे तो बड़ा जिम्मेवार सी, दूजा कहूगा नहीं नहीं तू तो घट सी मैं जिम्मेवार सी जी। सो कृपा करो इनू पानी नू रोको, उन्हां दी जिहड़ी 28,000 करोड़ की सबसिडी हो गई है तो जे इस तरह तुसीं मुक्तखोरी जारी रखिए होर वध जाणगीआं। 15,000 मैगावाट तक का प्रबंध बिजली बोर्ड के CMD इंजीनियर बलदेव सिंह सरां कहिंदे ने असीं कर चुके हैं, इन्ना कु साडे कोल हैगा। दूजे पासे जिहड़े देश का अंकड़ा है जी 40 to 45,000 मैगावाट बिजली का इस बार भार पै गया भारत ते जी, फर्क कित्थे पैंदा है जदों पूर्वी राज्यां दे विच जां दक्षणी राज्यां दे विच बरसात आ जाती है उत्थे बिजली सरप्लस हो जाती है, वह बिजली केंद्रीय पूल च आ जाती है, केंद्रीय पूल तो वख वख राज मंग लैंदे ने भी सानूं दे दिओ जी। कई बारी जदों कि वड्डे पद्धर दे उत्ते बिजली सरप्लस हो जाए तो रात के समय ये 1-1.5 रुपये नहीं मिली जाती है, तो फिर जिहड़े आप बिजली घर साढ़े बनते इत्थे ते शिखर लोड दे मुताबक समझौते कर ले, इन्हां समझौतियां ने पंजाब बिजली बोर्ड रगड़िया जी। पहला कैप्टन साहब कहिंदे सी कि मैं बस कड्ढे लो जी, 111 दिन चन्नी ने जोर ला लिया भी असी तां, ते हुण 90 दिन भगवंत मान नूं हो गए कलू हो जाने ने, ते मान साहब ने भी उस समझौते की सी लोगों नूं दसता दिओ, उन्हां समझौतियां बारे कुछ नहीं दस्या जा रहा है ते होए भी ने ते होए भी ने जी। टुल साहब एक बड़ी वड्डी समस्या आ जाती है सड़कां दे नाल जगह छड्डी हुंदी है जिन्हां नूं बर्म कहा जाता है, वह किसानां ने ते जिहड़े आम लोग ने जेकर किसी शहर दे विचों सड़क जा रही है तो लोग अपने उत्थों तक जिहड़ा है चीज़ां रख लैंदे ने उसारियां कर लैंदे ने, तो उन्हां नूं लैके भी हुण थोड़ी जी सरकार गंभीर हो रही है। देखो ये संपर्क सड़कां दा मामला है, जिहड़े पिंड दे शहरां दे विच ने अपने शहर के कितनियां इंटरलॉकिंग टैलां लातियां जी, तो उत्थे लोगों ने पार्किंग बना लिया उन्हां दीआं जी, तो लंघन वास्ते तां उही 8 फुट जगह है। तुसीं वख-वख शहरां च जाओ रात वेले जाओ दुकान तो बाहर 8-8, 10-10 फुट 15-15 फुट समान बाहर पए ने जी, तो यही हाल संपर्क सड़कों का। संपर्क सड़कों के विच दोनों पासे 5-5, 6-6 फुट जगह पई है। पंजाब मंडी बोर्ड ने जां PWD ने जिहड़े वो पिलर लाए ने उस सड़क तो 5 फुट परे पए ने, तो बट सड़क के नाल लाई भी है। बिल्कुल जी,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਦੁਨਾ ਪਾਸੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢੋਗੇ ਦੁਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੁਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚ ਕਹੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇੜੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਇਹ ਬਰਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਕਿ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜੀ ਕਣਕਾਂ ਲਓ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਡਰ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋ ਓਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਓਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹਲੋ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਟੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹਮ ਬੁਲਬਲੇ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਜੇ ਗੁਲਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੂਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਜੀ ਟਿੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
सो इस तरह एक मेरी भी सुनो प्रोग्राम के नवे मुद्दे लैके कल फिर हाजिर होवांगे। फिलहाल इजाजत दिओ, धन्यवाद।